दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर त्रिपुरा सीएचओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 मार्च 2021 का, तो क्वेश्चन पेपर अपन आप सोल्व करेंगे विथ ऑफिशियल आंसर की के साथ में। साथ में ही मैं आपको त्रिपुरा सीएचओ के लिए जो टेस्ट सीरीज तैयार की गई है उस टेस्ट सीरीज के बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, त्रिपुरा सीएचओ के लिए माइंड ब्लोइंग टेस्ट सीरीज आ गई है। ये टेस्ट सीरीज त्रिपुरा सीएचओ के सिलेबस के अनुसार तैयार की गई है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको टोटल 10 टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, यानी 10 टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे इसके अंदर। एक टेस्ट सीरीज के अंदर 100 क्वेश्चंस रखे गए हैं। टोटल 10 टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 10 × 100 यानी 1000 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और बिल्कुल सीबीटी एग्ज़ाम, जैसे आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं सेम वैसे ही आपको इसके अंदर एग्ज़ाम देना है। और इस टेस्ट सीरीज को यदि आप परचेज करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज करते हैं तो आपको फ्री में क्या दिया जाएगा वो आप देख सकते हैं। पीडियाट्रिक कम्युनिटी एंड ओबीजी के जो गोल्डन पॉइंट हैं, जी हाँ दोस्तों, ओबीजी के, कम्युनिटी के और पीडियाट्रिक के जो गोल्डन पॉइंट है वो बिल्कुल मुफ्त में दिए जाएंगे यदि आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज करते हैं। तो टेस्ट सीरीज की प्राइस 351 रखी गई है, लेकिन अभी ऑफ़र है तो ये प्राइस आप जो है 299 में इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको इस टेस्ट सीरीज को परचेज करना है तो मात्र 299 पे करके आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए दोस्तों आप जो है फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट जो आपको करना है आपको इस नंबर पे करना है 9024307738। इस नंबर पे आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर पे भेज देंगे। यदि आपको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं 9024307738। तो आज ही टेस्ट सीरीज को परचेज करें और इस ऑफ़र का लाभ उठाएं, 299 में टेस्ट सीरीज परचेज करें और साथ में पाए पीडियाट्रिक कम्युनिटी और ओबीजी के जो गोल्डन पॉइंट्स हैं बिल्कुल मुफ्त में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चंस को मैं कर देता हूँ बड़ा थोड़ा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एंटीवायरल ड्रग यूज टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा इज, यानी कौन सी एंटीवायरल जो ड्रग है वो इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन ए आपका एसाइक्लोवियर, ऑप्शन बी है ओसेल्टामिवियर, ऑप्शन सी आपका इम्यूनोवायर एंड ऑप्शन डी है जिडोबुडिन। जल्दी से भी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो जो एंटीवायरल ड्रग यूज़ की जाती है इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए वो कौन सी होती है दोस्तों? ओसेल्टामिवियर, ठीक है, जिसको टेमीफ्लू भी कहते हैं, ठीक है, ओसेल्टामिवियर यूज की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे है, द कॉपर यूज्ड इन कॉपर टी हैज द फॉलोइंग एक्शन। ऑप्शन ए है आपका ब्लास्टोसाइडल, ऑप्शन बी है आपका बैक्टेरियोस्टेटिक, ऑप्शन सी आपका बैक्टेरियोसाइडल एंड ऑप्शन डी है स्पर्मिसाइडल। जल्दी से भी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है कि जो कॉपर टी के अंदर जो कॉपर यूज किया जाता है उसका क्या काम होता है। तो ऑप्शन ए मैंने बताया आपको ब्लास्टोसाइडल, ऑप्शन बी बैक्टेरियोस्टेटिक, ऑप्शन सी बैक्टेरियोसाइडल एंड ऑप्शन डी है स्पर्मिसाइडल। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी स्पर्मिसाइडल, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन जो है रिपीट होने वाले हैं। तो आपको, हाँ, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि जो प्रीवियस जो सीएचओ के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो आपको क्वेश्चन पेपर को बड़े ध्यान से सोल्व करना है क्योंकि इसके अंदर से यदि रिपीट हो गए तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो जो कॉपर टी के अंदर जो कॉपर यूज़ किया जाता है उसका जो मेन फंक्शन होता है दोस्तों वो होता है स्पर्मिसाइडल, यानी ये क्या करता है, स्पर्म को किल कर देता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है FBFPLMIS की फुल फॉर्म पूछी गई थी दोस्तों इसके अंदर। तो ऑप्शन ए आपका फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन बी आपका फैमिली प्लानर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम,
ऑप्शन सी फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड ऑप्शन डी था आपका नन ऑफ द अबव। जल्दी से भी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एफ पी का मतलब हो गया फैमिली प्लानिंग, एल एम आई एस का मतलब हो गया दोस्तों लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी इनमें से कौन सा जो है एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क फैक्टर नहीं है, क्या पूछा गया दोस्तों इसके अंदर पूछा गया कि एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क फैक्टर कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका स्मोकिंग, ऑप्शन बी स्ट्रेस, ऑप्शन सी डाइट इन लो फैट एंड ऑप्शन डी आपका ओबेसिटी। दोस्तों एथेरोस्क्लेरोसिस का आपको बताना है कि कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है, ठीक है। जल्दी से भी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों स्मोकिंग आपका स्ट्रेस और ओबेसिटी ये तीनों क्या है एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क फैक्टर है, लेकिन यदि आपने डाइट के अंदर लो फैट कर दी है तो वो क्या होगा रिस्क फैक्टर उसके अंदर नहीं रहेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, यदि यहाँ पे हाई फैट होता तो फिर रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस पेशेंट को लो फैट है डाइट के अंदर तो ये रिस्क फैक्टर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपकी स्क्रीन पे है। द कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो फॉर प्रोवाइडिंग सीपीआर फॉर एन एडल्ट विक्टिम, यानी एडल्ट विक्टिम के लिए जो सीपीआर जो अपन ले करते हैं उसके अंदर कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो क्या रहता है। ऑप्शन ए आपका 10:2, ऑप्शन बी है 15:2, ऑप्शन सी है 20:2 एंड ऑप्शन डी है आपका 30:2। तो सही आंसर क्या होगा जल्दी से भी लोग कमेंट करेंगे, क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन डी 30/2, यानी 30 कंप्रेशन पे 2 आपको वेंटिलेशन देना होता है 30/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए फैमिली प्लानिंग मेजर फॉर यूजिंग डायफ्राम और डच कैप इज कॉल्ड। दोस्तों इसके अंदर क्या पूछा गया है, दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि फैमिली प्लानिंग का कौन सा मेजर है जिसके अंदर जो है डायफ्राम और डच कैप यूज की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका नेचुरल मेथड, ऑप्शन बी बैरियर मेथड, ऑप्शन सी आपका इंटरट्रेन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एंड ऑप्शन डी है कैलेंडर मेथड। दोस्तों ना तो ये नेचुरल मेथड है, ना इंटरट्रेन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और ना ही कैलेंडर मेथड है, ये कौन सा मेथड है बैरियर मेथड है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब बैरियर मेथड। हालांकि बैरियर मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपका अभी एग्ज़ाम हुआ था लेटेस्टली उसके अंदर भी पूछा गया था, जो BRCHO का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं रिपीट होते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन कुल मिला के क्वेश्चंस वही होता है, थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है आपका जो डायफ्राम और डच केप है कंडोम है ये सब किसके अंदर आते हैं बैरियर मेथड के अंदर आते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। कैंसर अराइजिंग फ्रॉम द मेसोडर्मल सेल कंस्टिट्यूटिंग द वेरियस कनेक्टिंग टिश्यू इज कॉल्ड। ऑप्शन ए आपका कार्सिनोमस, ऑप्शन बी सार्कोमास, ऑप्शन सी लिम्फोमास एंड ऑप्शन डी है ल्यूकेमियाज। तो दोस्तों क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सार्कोमास, क्या रहेगा सार्कोमास। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी सार्कोमास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। साइन एंड सिम्टम ऑफ अस्थमा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, हालांकि अस्थमा से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी BRCHO के अंदर आ चुका है, फिर से यहाँ त्रिपुरा CHO के अंदर भी पूछा गया है, अस्थमा का साइन एंड सिम्टम पूछा गया था इसमें। हाँ तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि जो BRCHO के एग्ज़ाम के अंदर अस्थमा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर त्रिपुरा CHO के अंदर भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है और उसके अंदर पूछा गया था कि साइन एंड सिम्टम अस्थमा का कौन सा इनमें से नहीं है, ठीक है। तो आपको उससे पहले पता होना चाहिए कि अस्थमा के अंदर साइनस सिम्टम क्या होता है और अस्थमा होता क्या है दोस्तों। तो अस्थमा के अंदर अपन देखते हैं कि इसके अंदर आपका ब्रोंको स्पाज्म हो जाता है, ठीक है। ब्रोंको स्पाज्म होने की वजह से क्या होता है, पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई आती है, जिसको अपन क्या कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कहते हैं, और साथ में पेशेंट के अंदर वीजिंग आपको सुनाई देगी, विस्टल टाइप की जो है
जैसे कि जो सीटी होती है यानी विस्टल होती है उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी यदि आप चेस्ट ऑस्कल्टेशन करेंगे, और इसके साथ ही चेस्ट पेन भी इसके अंदर देखने को मिलता है। लेकिन अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर फीवर देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि साइनस सिम्टम ऑफ अस्थमा इंक्लूड ऑल एक्सेप्टेंट, कौन सा साइनस सिम्टम अस्थमा का नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता दोस्तों, ऑप्शन सी फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे। द साइनस सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिजीज इज, इन साइनस सिम्टम पूछा गया किसका, पार्किंसन डिजीज़ का इसमें साइनस सिम्टम पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका ट्रेमर, ऑप्शन बी इम्पेयर पोस्चर एंड बैलेंस, ऑप्शन सी आपका स्पीच चेंजेस, एंड ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों तो पार्किंसन डिजीज़ होती है, इसके अंदर आपको देखा होगा आपने नॉर्मली इसके अंदर आपको पिन रोलिंग मोमेंट होता है, यानी जैसे कि आपने देखा होगा अपने हाथ से पेशेंट पूरा पिन रोलिंग करता रहता है, ठीक है। और इसके अंदर ट्रेमर भी आपको देखने को मिलता है और वो अपना बैलेंस नहीं बना पाता, ठीक है। स्पीच में भी उसकी चेंजेस आते हैं, तो इसलिए इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटीन डेफिशिएंसी, यानी इनमें से कौन से डिजीज़ है जो कि प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो ऑप्शन ए आपका एनीमिया, ऑप्शन बी आपका क्वासी और कोर, ऑप्शन सी आपका हाइपोथायरॉयडिज्म, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि प्रोटीन डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, तो चार ऑप्शन दिए गए, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। तो क्या होगा सही आंसर दोस्तों, यहाँ पे क्वासी और को, आपके क्वासी और को जो डिजीज़ है प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, जिसको अपन कहते हैं पीईएम के अंदर आता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर। तो क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन बी क्वासी और को। और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर आपने देखा होगा क्वासी और को मारस मास आप पढ़ते हैं, और यहाँ ऑप्शन में क्या है क्वासी और को, तो इससे आपका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी क्वासी और को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, आपको यहाँ पे बताना है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का एग्जांपल क्या है। ऑप्शन ए आपका कैंसर, ऑप्शन बी डायबिटीज़, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ा होगा, कैंसर भी आपकी नॉन कम्युनिकेबल होती है, डायबिटीज़ भी होती है, हाइपरटेंशन भी होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। पेशेंट्स इज डायग्नोज टू हैव इंसोम्निया, द टर्म इंसोम्निया मीन्स, यानी दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि इंसोम्निया जो टर्म यूज़ की जाती है उसका मीनिंग क्या होता है, तो ऑप्शन ए आपका इनएबिलिटी टू थिंक, ऑप्शन बी है इनएबिलिटी टू मूव, ऑप्शन सी आपका इनएबिलिटी टू ईट, एंड ऑप्शन डी है आपका इनएबिलिटी टू स्लिप। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी इनएबिलिटी टू स्लिप, यानी स्लिप को मेंटेन नहीं कर पाता। हालांकि ये क्वेश्चन में आपको जब कल की अपन ने गैस पेपर आपको सॉल्व करवाया था उसके अंदर भी बताया था इंसोम्निया का क्या मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 13। मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एन इंडिविजुअल ब्लड प्रेशर आर ऑल एक्सेप्ट, यानी इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मेजर फैक्टर नहीं है जो ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करता है। मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एन इंडिविजुअल ब्लड प्रेशर आर ऑल एक्सेप्ट, एक को छोड़कर बाकी जो सारे हैं वो क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल ब्लड प्रेशर को क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन सा फैक्टर जो इफेक्ट नहीं डाल रहा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, ऑप्शन बी वीनस रिटर्न, ऑप्शन सी है हार्ट रेट, एंड ऑप्शन डी आपका नॉर्मल बॉडी वेट। तो क्या होगा सही आंसर दोस्तों, जल्दी से भी लोग कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है, वीनस रिटर्न और हार्ट रेट, ये तीनों क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर के इंडिविजुअल के ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन जो आपका जो नॉर्मल बॉडी वेट है वो इन्फ्लुएंस नहीं करता। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कौन सा एक्सेप्ट आया, मतलब कौन सा जो है इफेक्ट नहीं करता है, मेजर फैक्टर जो कौन सा फैक्टर है जो कि इंडिविजुअल ब्लड प्रेशर को इन्फ्लुएंस नहीं करता, तो कौन सा नहीं करता, नॉर्मल बॉडी वेट इन्फ्लुएंस नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है। इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर कॉज बाय द एस्चेरिया कोलाई इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए आपका पाइलोनेफ्राइटिस, ऑप्शन बी सिस्टाइटिस, ऑप्शन सी यूरेथ्राइटिस, एंड ऑप्शन डी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो क्या होगा दोस्तों सही आंसर, यहाँ पे पूछा गया है कि यूरिनरी ब्लैडर का जो इन्फेक्शन होता है एस्चेरिया कोलाई की वजह से, जो कि एस्चेरिया कोलाई या जो इकोलाई बैक्टीरिया नॉर्मली आपका जो जीआई ट्रैक्ट होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होता है, यदि इनका इन्फेक्शन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होता है तो उस इन्फेक्शन को क्या कहते हैं। सिंपल सा मीनिंग है कि यूरिनरी ब्लैडर के इन्फेक्शन को क्या कहेंगे, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन क्या कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सिस्टाइटिस, यानी यूरिनरी ब्लैडर के जो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को अपन क्या कहते हैं, सिस्टाइटिस कहते हैं। किसके इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को, यूरिनरी ब्लैडर के इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन क्या कहते हैं, सिस्टाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
15 आपकी स्क्रीन पे है, विच इज़ एम्पलीफायर ऑफ जापानीज एनसेफेलाइटिस, यानी जापानीज एनसेफेलाइटिस का जो एनफ्लायर है एनिमल उसका नाम बताना आपको। ऑप्शन ए आपका काउ, ऑप्शन बी मंकी, ऑप्शन सी पिग एंड ऑप्शन डी कैट। विच एनिमल इज़ एम्पलीफायर एंड जापानीज जो जापानीज एनसेफेलाइटिस होती है उसका एम्पलायमेंट कौन सा एनिमल होता है, जल्दी से भी लोग कमेंट करेंगे। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, पिग। पिग यानी जो सुअर होता है वो क्या होता है, जापानीज एनसेफेलाइटिस का एम्पलीफायर होता है। ठीक है, क्या नाम है, पिग। पिग जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, सुअर कहते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है, सार्स स्टैंड्स फॉर, हालांकि ये मैंने आपको गोल्डन पॉइंट्स के अंदर बताया था सार्स की फुल फॉर्म, तो सार्स की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, जल्दी से लोग कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए आपका स्टैंडर्ड एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन बी आपका सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन सी आपका सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड ऑप्शन डी आपका सोविंग ऑल रेस्पिरेटरी सिम्टम। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS एंड सार्स की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, रूबेला इज ऑल्सो नोन एज, हालांकि गोल्डन पॉइंट्स के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ रूबेला को किस नाम से जानते हैं, जो दोस्तों जर्मन मिजल्स के नाम से भी जाना जाता है, और जो आपकी मिजल्स है उसको अपन क्या किस नाम से जानते हैं, रूबियोला के नाम से जानते हैं। हालांकि ये चीज़ें मैं आपको जब गोल्डन पॉइंट्स की अपन ने क्लासेस ली थी CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, तब मैंने आपको डिटेल से बताया था कि रूबेला को अपन क्या कहते हैं, जर्मन मिजल्स कहते हैं, और मिजल्स को क्या कहते हैं, रूबियोला कहते हैं। ठीक है, तो ये अलग जो नाम होते हैं रूबेला का, और कौन क्या नाम से जानते हैं, जर्मन मिजल्स। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है, ऑन विच डेट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व द वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, हालांकि ये भी क्वेश्चन मैं आपको पहले कई बार सोल्व करवा चुका हूँ कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है दोस्तों, 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इज़ द वेब एनेबल पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ फॉर TB कंट्रोल अंडर द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, यानी जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है उसके अंदर जो एनेबल करना पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर टीबी कंट्रोल के लिए जो वेब है उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए आपका निक्स, ऑप्शन बी आपका निस्से, ऑप्शन सी आपका निक्से एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या होगा, निक्स है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, निक्स है। याद रखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए, आगे वाले एग्जाम के अंदर भी ये रिपीट होगा, एक टीबी वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए, अपने नोटबुक के अंदर नोट कर लें। निक्स है जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है, कालाजार फीवर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ, हालांकि ये भी आपको मैं बचा चुका हूँ, कालाजार को अपन लेसमेनियासिस भी कहते हैं, और मैंने जब गोल्डन पॉइंट्स की क्लासेस ली थी तब आपको मैंने बताया था, MCQs के अंदर भी आपको सोल्व करवाया था कि जो कालाजार जो फीवर है किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है। तो ऑप्शन ए आपका हाउस फ्लाई, ऑप्शन बी आपका टीसेट्सी फ्लाई, ऑप्शन सी आपका सैंड फ्लाई एंड ऑप्शन डी है ड्रैगन फ्लाई। तो सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का, जल्दी से भी लोग कमेंट करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सैंड फ्लाई, और मैंने आपको बताया था कालाजार को अपन क्या कहते हैं, लेसमेनियासिस भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कई बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है, टेलीफोन नंबर फॉर नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर जो टेलीफोन नंबर है एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए वो कौन सा होता है, ऑप्शन ए आपका 108/102, ऑप्शन बी 100/108, ऑप्शन सी आपका 100/102 एंड ऑप्शन डी आपका 100/102। सही आंसर क्या है दोस्तों, इंडिया के अंदर जो कौन सा होता है, 108/102, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें, आगे वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। द एम ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान इज़ टू एलिमिनेट ट्यूबरकुलोसिस बाई, यानी जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है जिसके द्वारा ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट किया जाना है वो कौन से सन के अंदर होगा। ऑप्शन ए आपका 2025, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2035 एंड ऑप्शन डी 2040। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए 2025 जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करने का वो कौन से सन के अंदर है, 2025 तक जो है प्लान है ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करने का, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना आप।
क्योंकि ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द गोल ऑफ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया इज़ बाई, यानी जो गोल है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन के लिए, यानी इंडिया के अंदर जो मलेरिया को एलिमिनेशन करना है उसके लिए जो गोल है, टारगेट है, कौन से सन तक का है। तो ऑप्शन है आपका 2024, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2027 एंड ऑप्शन डी आपका 2030। तो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी 2030। तो आपने दो चीज़ नोट करी है, जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको एलिमिनेशन करने के लिए 2025 और जो मलेरिया का एलिमिनेशन के लिए 2030। तो इस दोनों को क्वेश्चन को ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में रिपीट होगा, ठीक है, तो ध्यान में रखना इन क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एक्सपोजर ओ टू इन्फेक्शियस ब्लड आर एक्सेप्ट। यहाँ पे पूछा गया कि दोस्तों इनमें से कौन सा इन्फेक्शन है जो कि ब्लड के द्वारा नहीं फैलता है, ठीक है। पूछा क्या गया यहाँ पे, एक्सेप्ट आ गया। एक्सेप्ट यानी जो चार ऑप्शन दिए गए उनमें से तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इस लाइन का मीनिंग दर्शा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इस मीनिंग नहीं दर्शा रहा, ठीक है, तो वो आपको चूज करना है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो इन्फेक्शन है वो ब्लड के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी आपका हेपेटाइटिस सी एंड ऑप्शन सी है आपका एचआईवी एंड ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस ई। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस सी, क्योंकि हेपेटाइटिस ए और जो ई है वो आपका फीको ओरल रूट से फैलता है। कौन से रूट से फैलता है, फीको ओरल रूट से फैलता है। बाकी आपका हेपेटाइटिस बी सी और एचआईवी ये तीनों ब्लड के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे है। वैक्सीन टू कंट्रोल डायरिया, यानी डायरिया को कंट्रोल करने के लिए कौन सी वैक्सीन यूज की जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका न्यूमोकोकल, ऑप्शन बी आपका रोटा वायरस, ऑप्शन सी आपका साक एंड ऑप्शन डी आपका एच हिब। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, डायरिया को कंट्रोल करने के लिए जो वैक्सीन यूज की जाती है कौन सी होती है, रोटा वायरस वैक्सीन, जो कि ड्रॉप्स के रूप में होती है। 5 ड्रॉप्स यूज की जाती है ना, 5 ड्रॉप देते हैं, कितने देते हैं, 5 ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे है। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ जापानीज एंसेफेलाइटिस इन मेन, यानी जापानीज जो एंसेफेलाइटिस है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है। ऑप्शन है आपका 1 to 5 days, ऑप्शन बी 5 to 15 days, ऑप्शन सी 15 to 30 days एंड ऑप्शन डी आपका 15 to 20 days। जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जापानीज एंसेफेलाइटिस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कितना होता है, ऑप्शन बी 5 से 15 दिन, कितना होता है, 5 से 15 दिन। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब आप समझते होंगे, जब इन्फेक्शन बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, एंटर होने से फर्स्ट साइन जो सिम्टम डेवलप होता है उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको अपन क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और जापानीज एंसेफेलाइटिस के लिए इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 5 से 15। हालांकि कौन कौन सी डिजीज़ के कितने इंक्यूबेशन पीरियड है इसकी क्लास में आपको ऑलरेडी ले चुका हूँ, जिसको भी नहीं देखी हो वो जा करके अपने प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर जा करके देख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पूछा गया है कॉमनली यूज्ड मेडिकेशन फॉर कोलेरा इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पूछा गया है कि कौन सी मेडिकेशन है जो कोलेरा के लिए यूज की जाती है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट यानी कौन सी नहीं यूज की जाती, एक्सेप्ट आ गया मतलब कौन सी इस लाइन का जस्ट अपोजिट, ठीक है। कॉमनली यूज मेडिकेशन फॉर कोलेरा इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एंड कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कोलेरा के अंदर यूज की जाती है, लेकिन एक मेडिसिन जो ऑप्शन दी गई है उनमें से एक ऐसी मेडिसिन है जो कोलेरा के अंदर यूज नहीं होती है, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपका एजिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन बी टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन सी आपका एम्पिसिलिन एंड ऑप्शन डी आपका डेक्सामेथासोन। तो दोस्तों आपने ऊपर वाले जो तीनों ऑप्शन देखे ये सारी क्या है, एंटीबायोटिक है, और जो नीचे वाला जो ऑप्शन डेक्सामेथासोन ये आपके एंटीबायोटिक के अंदर नहीं आती है, कोलेरा के अंदर ये यूज़ नहीं होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, डेक्सोना हो जिसको अपन डेक्सामेथासोन या डेक्सोना भी कहते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे है। वेन द डायरिया लास्ट फॉर मोर देन 14 डेज इट इज़ कॉल्ड, यानी जो डायरिया है आपका 14 दिन से ज़्यादा देखने को मिलता है तो उसको अपन क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आपका डिसेंट्री, ऑप्शन बी आपका एक्यूट वाटरी डायरिया, ऑप्शन सी आपका परसिस्टेंट डायरिया एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा, क्या होगा सही आंसर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी परसिस्टेंट डायरिया, क्या कहेंगे, परसिस्टेंट डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट विटामिन के नीड्स टू एडमिनिस्टर,
यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से रूट से जो है विटामिन के दिया जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन बर्थ के जस्ट बाद में जो अपन विटामिन के देते हैं इंजेक्शन विटामिन के, वो कौन से रूट से दिया जाता है। तो ऑप्शन है आपका ओरल, ऑप्शन बी इंट्राडर्मल, ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस एंड ऑप्शन डी आपका इंट्रामस्कुलर। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इंट्रामस्कुलर। आईएम देते हैं ठीक है, और जो वेस्टस लेटरलिस मसल्स है उसके अंदर देते हैं। कौन से मसल्स में देते हैं, वेस्टस लेटरलिस मसल्स के अंदर देते हैं, आईएम से दिया जाता है। कौन सा इंजेक्शन, विटामिन के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे है, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ निफा वायरस, जो निफा वायरस है दोस्तों उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका बेट्स, ऑप्शन बी पिक्स, ऑप्शन सी ह्यूमन एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या होगा, जल्दी से भी लोग कमेंट करें। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो आपका निफा वायरस है वो बेट्स, पिक्स और ह्यूमन्स, इनके जो है इनके द्वारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे है, हेपेटाइटिस ए इज ट्रांसमिटेड थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग रूट्स एक्सेप्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका हेपेटाइटिस ए और ई जो है आपका फिकोरल रूट से ट्रांसमिट होता है। इसमें पूछा गया आपका हेपेटाइटिस ई ट्रांसमिट थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग रूट्स एक्सेप्ट, यानी कौन से रूट से ट्रांसमिट नहीं होता है। तो दोस्तों फिकोरल रूट से ट्रांसमिट होता है ये आपको पता है। अब आपको तीन जो ऑप्शन उनमें से बताना है कि क्या सही आंसर होगा ठीक है। तो आप एलिमिनेशन मेथड से यूज करें तो ऑप्शन ए को आप एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि हेपेटाइटिस ए जो है आपके फिकोरल रूट से फैलता है ठीक है। इसमें क्या पूछा गया कि सारे रूट से हेपेटाइटिस ए फैलता है एक्सेप्ट, यानी कौन से नहीं फैलता वो आपको बताना है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, जो आपका हेपेटाइटिस ए फिकोरल रूट से फैलता है, पेरेंटल रूट से भी और आपका सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी फैल सकता है, लेकिन ड्रॉपलेट न्यूक्लियस से नहीं फैलेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी ड्रॉपलेट न्यूक्लियस। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमें जब आपको गोल्डन पॉइंट्स पढ़ाए थे जिसके अंदर अपने कम्युनिकेबल डिजीज के गोल्डन पॉइंट्स, तो आप ये वाला जो है इसका आंसर क्लियर करने के लिए जो है चैनल की जो प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने डाल रखा है CHN गोल्डन पॉइंट या फिर कम्युनिटी गोल्डन पॉइंट्स करके प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा। मैंने उसके अंदर बताया कि जो आपका हेपेटाइटिस ए फिकोरल रूट से, एंट्रल रूट से और सेक्सुअल ट्रांसमिशन के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन में पूछा गया था कौन से रूट से नहीं फैलता एक्सेप्ट आ गया, तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी ड्रॉपलेट न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे है, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन है, जो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाए दोस्तों। तो ये वाला क्वेश्चन में जब आपको इम्पोर्टेंट हेल्थ डे, इम्पोर्टेंट 32 हेल्थ डे का जब वीडियो आपके लिए बनाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट 32 हेल्थ डेज हैं जिनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होता है, तो वो भी मैंने उसकी भी प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखा है, तो वो भी आप ज़रूर देखें ताकि आपको ऑल ओवर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे है, अकॉर्डिंग टू WHO विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉजेज द मोस्ट डेथ वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर WHO के अकॉर्डिंग कौन सी जो डिजीज़ है जो मोस्टली डेथ का कॉज बन रही है। ऑप्शन ए आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी आपका HIV एंड ऑप्शन डी है ट्यूबरक्लोसिस। सही आंसर क्या होगा, जल्दी से भी लोग कमेंट करेंगे। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। तो कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ है वो वर्ल्ड वाइडली क्या कर रही है, डेथ का कॉज बन रही है, किसके अनुसार, WHO के अनुसार। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया है यहाँ पे अपन देख सकते हैं। यहाँ पूछा गया है PMSME गारंटी ए मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विसेज इन इंडिया व्हाइल PMSME स्टैंड फॉर, यहाँ पे PMSME की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री स्वच्छ मातृत्व अभियान, ऑप्शन बी है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा मैटरनल अभियान, ऑप्शन सी आपका प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एंड ऑप्शन डी आपका नन ऑफ द अबव। तो सभी लोग कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। PMSA की फुल फॉर्म है, जिसके अंदर जो है गारंटी मिनिमम, PMSA गारंटी मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विसेज इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर एंटीनेटल केयर के लिए जो मिनिमम पैकेज की गारंटी इस जो योजना है या इस अभियान के अंतर्गत दी जाती है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट कम्स अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंतर्गत कौन सी वैक्सीन नहीं आती है। तो ऑप्शन ए आपका हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी मिजल्स, ऑप्शन सी आपका फाइलेरिया सी, एंड ऑप्शन डी है टिटनेस। तो दोस्तों आपको पता है हेपेटाइटिस बी, मिजल्स और टिटनेस ये तीनों किसके अंदर आती है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर आती है, लेकिन पूछा गया है कौन सी नहीं आती है। तो सही आंसर हो गया दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी फाइलेरियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे है। द एम ऑफ मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू, यानी जो मिशन इंद्रधनुष का एम पूछा गया है इसके अंदर। तो ऑप्शन ए आपका मिड डे मील, ऑप्शन बी आपका वाटर सैनिटेशन, ऑप्शन सी आपका कोविड प्रिवेंशन, एंड ऑप्शन डी है इम्यूनाइजेशन। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो जो मिशन इंद्रधनुष है उसका जो मेन एम है इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, जिसके अंदर 7 किलर जो डिजीज है उसके लिए आपका जो मिशन इंद्रधनुष चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे है। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज प्रोग्राम कवर द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट, यानी इसके अंदर आपको बताना है जो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज प्रोग्राम है सभी डिजीज को कवर कर रहा है एक्सेप्ट, यानी किसको नहीं कर रहा वो आपको इसके अंदर बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा जो है इसके अंदर से जिसके अंदर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज प्रोग्राम के अंदर कवर नहीं होता है, एक्सेप्ट आ गया मतलब कौन सा कवर नहीं होता है। तो आपका मलेरिया, चिकनगुनिया और जापानी स्पाइन, ये तीनों तो क्या कहते हैं वेक्टर बोर्न डिजीज के कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर आते हैं, इसके साथ ही डेंगू भी आता है लेकिन लेप्रोसी नहीं आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लेप्रोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पे है। गवर्नमेंट लॉन्च NPCDS प्रोग्राम टू टारगेट, यानी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है NPCDCS प्रोग्राम वो किसके टारगेट के लिए यूज़ किया है। तो ऑप्शन ए आपका कैंसर, ऑप्शन बी कार्डिक डिजीज, ऑप्शन सी डायबिटीज़, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो सही आंसर क्या होगा जल्दी से भी लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। NPCDS की जो फुल फॉर्म होती है आपकी होती है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर डायबिटीज़ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक। ये प्रोग्राम इसके अंदर फुल फॉर्म है इसकी NPCDS की, और ये 2010 के अंदर लॉन्च हुआ था प्रोग्राम। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर एडॉप्टेड बाई यूनाइटेड नेशन इन, ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2015, एंड ऑप्शन डी 2020। यहाँ पे क्या पूछा गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर एडॉप्टेड बाई यूनाइटेड नेशन, यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो सस्टेन डेवलपमेंट गोल है वो कब अडॉप्ट किए गए। जल्दी से भी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है ऑप्शन सी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे है। द कमिटी विच प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया, यानी कौन सी कमेटी ने प्राइमरी हेल्थ केयर के कंसेप्ट को प्रपोज किया था। तो ऑप्शन ए आपका मुदलायर कमेटी, ऑप्शन बी भोरे कमेटी, ऑप्शन सी करतार सिंह कमेटी, एंड ऑप्शन डी श्रीवास्तव कमेटी। हालांकि दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मैं आपको जब स्पेशल CHN के स्पेशल क्वेश्चन अपने सोल्व करे थे तब मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से भी बताया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी भोरे कमेटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे। द फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ड बाय द मदर इज कॉल्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नोट कर लें, यानी मदर के द्वारा जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आपका लाइटनिंग, ऑप्शन बी क्विकनिंग, ऑप्शन सी कोलेचलिज्मा, एंड ऑप्शन सी लीनियर नाइग्रा। तो दोस्तों
दोस्तों सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट फ्यूटल मूवमेंट जो फील किया जाता है मदर के द्वारा उसको अपन क्या कहते हैं, क्यूकनिंग किया जाता है। क्यूकनिंग आपको कब देखने को मिलती है, 16 से 18 वीक, ठीक है, 16 से 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी भी आपको क्या देखने को मिलती है, क्यूकनिंग देखने को मिलती है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे है। इन नॉर्मल डिलीवरी द ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विद इन, इन नॉर्मल डिलीवरी के अंदर जो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करते हैं कितनी देर में स्टार्ट कर देते हैं। ऑप्शन ए आपका 3 आवर्स ऑफ डिलीवरी, ऑप्शन बी आपका 1 आवर ऑफ डिलीवरी, ऑप्शन सी आपका 4 आवर ऑफ डिलीवरी एंड ऑप्शन डी है 6 आवर ऑफ डिलीवरी। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी 1 आवर ऑफ डिलीवरी। जहाँ तक है ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल डिलीवरी के अंदर एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन के अंदर अपने पास इससे कम कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 आवर ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फैमिली प्लानिंग कमोडिटी, यानी इनमें से कौन सा जो है फैमिली प्लानिंग कम्युनिटी के अंदर नहीं आता है। तो ऑप्शन ए आपका इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ऑप्शन बी का नॉम, ऑप्शन सी आपका सिल्वर टी एंड ऑप्शन डी आपका इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो आप सब लोग जानते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और जो कंडोम है आपका किसके अंदर आता है, फैमिली प्लानिंग कम्युनिटी के अंदर आता है। लेकिन सिल्वर टी कोई कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स और जो फैमिली प्लानिंग मेथड के अंदर नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व आर ओरिजिनेट इन द ब्रेन, यानी ब्रेन के अंदर जो क्रैनियल नर्व के कितने पेयर्स होते हैं दोस्तों, सब लोगों को पता कितने होते हैं, 12 जोड़ी क्रैनियल नर्व होती है। और क्रैनियल नर्व को याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, क्या बताई दोस्तों, O3T2 अफगानिस्तान में वीरान, ग्रीनलैंड में वा। ये ट्रिक है जो आपके 12 क्रैनियल नर्व है उसको याद करने की। अब आप सीक्वेंस देख लीजिए, अपना गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, O3 इसके स्टार्टिंग जो 3 नर्व है जैसे कि ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्युलोमेटर, ट्राइजेमिलर और ये जो T2 हो जाएगी इसके अंदर आपका, ये पूरी डिटेल से मैंने आपको इसके अंदर बताया था पहले भी, एक बार मैं आपको फिर से इसके अंदर बता देता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताई थी, O3 T2 अफगानिस्तान में वीरान और ग्रीनलैंड में वा, ये ट्रिक बताई थी आपको 12 पेयर क्रैनियल नर्व को याद करने की। जो स्टार्टिंग की O3 है उसके अंदर पहले ही जो है उसका नाम ओल्फैक्टरी, दूसरी का ऑप्टिक और तीसरी का क्या हो जाएगा, ओक्युलोमेटर। इस ट्रिक को पहले सब लोग लिख लें, इस ट्रिक को सब लोग आप लिख लें, फिर अपन मैं आपको डिटेल से और बता दूंगा। O3 T2 अफगानिस्तान में वीरान, ग्रीनलैंड में वा, इस ट्रिक को सब लोग नोट कर लें, फिर मैं इसको सबका 1 by 1 बताने वाला हूँ, ठीक है। यदि आपने नहीं लिखा हो तो वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद में लिख लें, ठीक है। ठीक है, बता रहा था मैं आपको, तो जो O3 जो स्टार्टिंग की O3 इसके अंदर पहला क्या हो गया ओल्फैक्टरी, दूसरी ऑप्टिक, तीसरी हो गया आपका ओक्युलोमीटर, चौथे नंबर जो T2 है उसका मतलब हो गया ट्रोक्लियर और ट्राइजेमिनल। चौथे नंबर की कौन सी होगी, ट्रोक्लियर, पाँचवें नंबर की कौन सी होगी, ट्राइजेमिनल। और आपके छठवें नंबर की जिसमें मैंने आपको बताया अफगानिस्तान में वीरान, अफगानिस्तान में वीरान, ठीक है। तो A4 एब्डुसेंट नर्व, F4 फेशियल नर्व और V4 आपका हो गया वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, जो कि 8वें नंबर की नर्व है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, ग्रीनलैंड में वा, क्या बताया मैंने आपको, ग्रीनलैंड में वा, VAH, ठीक है। G4 आपका हो जाएगा ग्लोसोफेरिजल नर्व, V4 हो जाएगा आपका वेगस नर्व और A4 हो जाएगा आपका असेसरी नर्व, और जो H है उस H का जो नाम हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, हाइपोग्लोसल नर्व। तो ये 12 पेयर जो नर्व होती है वो आपको मैंने यहाँ पे बता दी है, हालांकि इस वीडियो को पॉज करके आप इनके फंक्शन भी साथ साथ में देख सकते हैं, जैसे कि ओल्फैक्टरी नर्व जो है वो स्मेल का फंक्शन काम करती है, ये यहाँ पे साथ साथ में आपको इमेज भी दिख रहा है। ऑप्टिक नर्व आपके विजन का काम करती है, ओक्युलोमीटर आपका आई मूवमेंट्स और पिपल कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए, और ट्रोक्लियर नर्व जो आई मूवमेंट के लिए, ट्राइजेमिनल नर्व आपका सोमेटोसेंसरी इन्फॉर्मेशन के लिए, टच पेन और जो फेस और हेड और की जो मसल्स है और जो चीविंग मसल्स है वहाँ पे आपको सोमेटोसेंसरी इन्फॉर्मेशन के लिए रहती है, और जो आपका एब्डुसेंट नर्व है आई मूवमेंट के लिए, फेशियल नर्व आपकी टेस्ट, और यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है आपका हियरिंग बैलेंस के लिए, और ये आपकी जो ग्लोसोफेरेंजियल है वो टेस्ट के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वेगस नर्व आपकी सेंसरी मोटर एंड ऑटोनोमिक फंक्शन ऑफ द विश्रा, और यहाँ पे स्पाइनल जो असेसरी नर्व होती है वो आपके कंट्रोल मसल्स यूज इन हेड मूवमेंट्स, इन हेड मूवमेंट के अंदर जो मसल्स यूज की जाती है वो कंट्रोल करने काम करती है, और जो हाइपोग्लोसल जो नर्व है वो क्या करती है,
कंट्रोल मसल्स ऑफ टंग एंड टंग की जो मसल्स है उसका कंट्रोल करने का काम करती है। कौन सी? हाइपोग्लोसल। तो ये जो 12 जो पेयर्स जो क्रैनियल नर्व है वो मैंने आपको बताई, याद करने की ट्रिक वापस से आप लोग नोट कर लें। O3T2 अफगानिस्तान में, वीरान ग्रीनलैंड में। वाह, ये ट्रिक है 12 क्रैनियल नर्व को याद करने की। सिक्वेंस आप इस पर अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लें, कभी भी नहीं भूलेंगे इस ट्रिक से याद करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अधिक से शेयर करना है, और यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको एक घंटी का निशान दिखाई देगा, उस घंटी के निशान पर प्रेस करेंगे तो उसमें ऑल पर आपको प्रेस करना है, ताकि जब भी कल की लाइव क्लास स्टार्ट होगी तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को अपने अधिक से अधिक अपने जो भी जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, अपने जो भी क्लासमेट्स हैं, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, उन सब तक शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेस के माध्यम से हो सके। इसलिए आप सभी से मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके नेक्स्ट एग्जाम के अंदर रिपीट होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका 12 पेयर्स को याद करने की मैं ट्रिक आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। बायोटीन इज़ द नेम गिवन इन टू विच विटामिन, यानी बायोटीन जो नाम दिया गया है कौन से विटामिन को दिया गया है। ऑप्शन ए आपका विटामिन एच, ऑप्शन बी आपका विटामिन के, ऑप्शन सी आपका विटामिन ए एंड ऑप्शन डी विटामिन ई। जो बायोटीन जो नाम दिया गया कौन से विटामिन को दिया गया दोस्तों, विटामिन एच को बायोटीन भी कहते हैं, नोट कर लें। विटामिन एच को बायोटीन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पे है। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज पेरिफेरल न्यूराइटिस, यानी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होने से पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकती है। तो ऑप्शन ए आपका विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन B6 एंड ऑप्शन डी आपका विटामिन B9। तो पेरिफेरल न्यूराइटिस जो कॉज होती है कौन से विटामिन की कमी से होती है, विटामिन B12 की कमी से आपकी पेरिफेरल न्यूराइटिस होती है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे है। जीरोथैलमिया कैन कंट्रोल बाय एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको बताना है कि जो जीरोथैलमिया होता है उसको कौन क्या एडमिनिस्ट्रेट करने से कंट्रोल किया जाता है, कौन सा विटामिन देंगे तो आपको जीरोथैलमिया को कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोथैलमिया, बाइटोड स्पॉट, ये जो है सब विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। तो जीरोथैलमिया वाले पेशेंट के अंदर क्या देते हैं अपन, विटामिन ए देते हैं, ताकि जो जीरोथैलमिया को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। ऑप्शन सी विटामिन ए, विटामिन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार पढ़ा है दोस्तों, कि नाइसिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, और आपके जो गोल्डन पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे तब भी मैंने आपको सोल्व करवाया था कि नाइसिन डेफिशिएंसी, जिसको अपन विटामिन B3 के नाम से जाना जाता है। नाइसिन कौन से विटामिन के नाम से जानते हैं, विटामिन B3 के नाम से नाइसिन को जाना जाता है। हाँ तो दोस्तों मैं आपको बताया था जो नियासिन है उसको अपन विटामिन B3 के नाम से जाना जाता है, और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है। तो ऑप्शन 4 दिए गए थे अपने पास, तो ऑप्शन बेरीबेरी, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी आपका पेलेग्रा एंड ऑप्शन डी स्कर्वी। तो कौन सी डिजीज़ होती है दोस्तों नाइसिन कमी से, पेलेग्रा होती है। और पेलेग्रा को अपन पहले दोस्तों इसको पेलेग्रा को 3D डिजीज़ कहा जाता था, और आजकल इसको क्या कहते हैं, 4D डिजीज़ कहते हैं। तो 3D के अंदर क्या क्या इंक्लूड था दोस्तों, डेमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस, और आजकल जो डी के अंदर डेथ भी इंक्लूड हो गया, इसलिए आजकल इसको 4D डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। आपकी जो पेलेग्रा है उसको अपन पहले 3D डिजीज़ कहते थे, अब इसको 4D डिजीज़ कहते हैं। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो रूबेला होता है, रूबेला, उस रूबेला को 3D डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। रूबेला को अपन क्या कहते हैं, 3D डिजीज़ कहते हैं, और पेलेग्रा को अपन 3D या फिर 4D डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। पेलेग्रा को तो क्या कहते हैं, 3D या फिर 4D, और जो रूबेला होता है उसको अपन क्या कहते हैं, 3D, 3 दिन, 3D, यहाँ पर DAY है, ठीक है। रूबेला को क्या कहेंगे, 3D डिजीज़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पे है। विटामिन सप्लीमेंट दैट इज़ एडमिनिस्टर्ड सून आफ्टर बर्थ, यानी कौन से विटामिन का सप्लीमेंट जो किया जाता है बर्थ के जस्ट बाद में। ऑप्शन ए आपका विटामिन B12, ऑप्शन बी आपका विटामिन सी, ऑप्शन सी आपका विटामिन के एंड ऑप्शन डी आपका
विटामिन ई। तो दोस्तों जैसे ही बर्थ होता है उसके बाद में आपने देखा होगा बच्चे को इंट्रामस्कुलरी वास्टस लेटरस मसल्स के अंदर IM इंजेक्शन लगाया जाता है। किसका लगाया दोस्तों? विटामिन के का। कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, कौन सा विटामिन दिया जाता है? विटामिन के दिया जाता है। और कौन सी मसल्स के अंदर दिया जाता है दोस्तों? तो वास्टस लेटरस मसल्स के अंदर। कौन सी मसल्स के अंदर? वास्टस लेटरस मसल्स के अंदर दिया जाता है। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी विटामिन के इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे है। सोर्स ऑफ विटामिन डी इज, यानी विटामिन डी का सोर्स क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए आपका सनलाइट, ऑप्शन बी एग योक, ऑप्शन सी बटर एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो विटामिन डी का सोर्स आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से भी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ऑप्शन ए सही आंसर होगा दोस्तों, लेकिन ऑप्शन ए सही आंसर नहीं होगा। आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि जो विटामिन सोर्स है सनलाइट तो है ही है, इसके साथ ही ये योग बटर और आपकी जो फिश है और जो लीवर ऑयल है उसके अंदर विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो गया दोस्तों। आज की इस क्लास के अंदर अपन 50 क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे, बाकी के जो 50 क्वेश्चन इस पेपर के बचे हुए हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगा आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, लेकिन नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है उसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको घंटी का निशान दिखाई देगा, उस घंटी के निशान को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही सेकंड पार्ट इसका अपलोड होगा तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना दोस्तों, अपने जो भी जूनियर है सीनियर है फ्रेंड्स है सभी को शेयर करना, ताकि सभी को जो है इस वीडियो का बेनिफिट हो सके, अपनी क्लास का सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट होना चाहिए। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज के माध्यम से हो, इसके लिए आपको क्या करना है? अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो नीचे रेड कलर में जो सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी इसका सेकंड पार्ट अपलोड होगा इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जाते जाते यही कहूँगा सभी को, आज की इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो दोस्तों यही कहूँगा जाते जाते कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। और आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करें। सभी को बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।